देशभक्ति और हरियाणा की माटी और लोक परंपरा की छटा को बिखेरती ये कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, जिसकी शुरुआत रोहतक से हुई। राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की और हरित वाटिका में पौधारोपण किया। आपको बता दें कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो इस धरती को प्रणाम करते हैं। ये धरती हमें अन्न देती है, वनस्पति देती है, खनिज देती है। इस माटी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। हमें इस माटी को पूजना है। हमने हर गांव जा जाकर जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी मूर्ति पर तिलक किया, उन्हें सम्मान किया और शहीदों के नाम हर गांव में गौरव पट पर लिखे। हमारे देश के अंदर हमारे देश के जो भी इस प्रकार के आगे बढ़ने वाले उद्योग जगत के बंधु हैं, जिन्होंने देश में जहाज जिन्होंने रॉकेट बना दिए जो चांद तक पहुंच गए, देश के अंदर हर प्रकार के आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत काम किया, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज दुनिया की आर्थिक शक्ति के नाते से हम पांचवी आर्थिक शक्ति बने हैं, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह अमृतकाल है 25 सालों का जो 2047 में समाप्त होगा। इसलिए हमने कहा कि गांव-गांव में अमृत वाटिका बनाओ, गांव के बाद प्रदेश स्तर पर हम सब इकट्ठे होंगे। मैं इन लाए हुए 242 कलश के सामने नतमस्तक होता हूं। इन 242 मिट्टी को मिलाकर एक प्रदेश स्तर का अलग कलश बनाया है, जिसे लेकर 31 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे, जहां पर देश भर के 75,000 कलश होंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हरियाणा के गांव-गांव से सेना में भर्ती हैं, एयरफोर्स में भर्ती हैं, गांव-गांव से और सैनिक जो है हमारे यहां नेवी तक भी पहुंचे हुए हैं। रॉकेट चलाने वाली हमारी बेटी कल्पना चावला वो रॉकेट चलाने में माहिर हो गई। अभी अब चंद्रयान 3 की जो यात्रा हुई, चांद के ऊपर जो यान उतरा, हमारे यहां सैकड़ों लोगों की भागीदारी है और उस चंद्रयान को भेजने के लिए उद्योग जगत का भी बहुत बड़ी भागीदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत पांचवी बड़ी आर्थिक ताकत है। पूरे विश्व में भारत और भारत के युवाओं ने अपना लोहा मनवाया। देश के आगे बढ़ने में हरियाणा का भी अपना अहम योगदान रहा। देश के केवल 2% संख्या होने के बावजूद भी सेना में 11% जवान हरियाणा से हैं। थल सेना, जल सेना, वायु सेना में हरियाणा के युवाओं ने अपना अलग स्थान बनाया है। हरियाणा की बेटी कल्पना चावला ने देश का तिरंगा अंतरिक्ष तक फहराया है। इस देश की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने जो कुछ किया, अब इसको आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जैसा विचार रखा, उन्होंने कहा कि बाकी सब चीजों के साथ साथ देश की जनता में देशभक्ति का भाव पैदा करो। कितने ही कार्यक्रम शुरू कर दिए, तिरंगा यात्रा। आखिर पहले कभी तिरंगा, आसानी के तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान पहले नहीं था, हमारा तिरंगे के प्रति सम्मान देश की आजादी के समय से लगातार बना हुआ है। हमने वो झंडा अंगीकार किया है। हमारे देश के प्रदेश के खिलाड़ी, हमारे जो पर्वतारोही चोटियों पर जाके लहराते हैं, देश के खिलाड़ी कहीं भी विजय पताका फहराते हैं तो तिरंगा फहराते हैं। हमारी सेनाएं तिरंगा लेकर के और सेना में कूच करके अपने फतेह करती हैं। तिरंगा सम्मान का विषय, लेकिन हर घर में तिरंगा पहुंचे, हर समाज का व्यक्ति तिरंगे प्रति उतना ही आस्था रखे। ये मोदी जी ने पिछले दिनों में जब तिरंगा यात्रा अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा, अब हर तिरंगा हमने अपनाया, हमने किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, पंचायत राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी कलाकारों ने दी। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।